गुलाम बना सके, जमाने में वो दम नहीं। जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। ये कौन बोला? I don't know, sir. यानी ये हमारी आवाज है। हमारी बोले तो हम सौदागर हैं, हमारे 14 घर हैं। तो आप 14 घरों के लिए किरायेदार ढूंढ रहे हैं। देखिए आप गलत जगह आ गए हैं। ये कोई स्टेट एजेंट का ऑफिस नहीं है, ये एक बहुत ही फेमस लॉयर का ऑफिस है। हम आपसे माफी चाहते हैं, हम यहाँ किरायेदार ढूंढने नहीं आए हैं, हम आपसे अपना केस लड़वाने आए हैं। तो फिर ये आप 14-15-20 घरों की भूल के दे रहे हैं मुझे? फिर ये बहुत सारे घर हैं, आप ग्रेट इन्वेस्टमेंट बताओ भाई कितने लेटेड भी। आप आए क्यों हैं बाय द वे? हमारी बीवी ने हम पर केस किया है इसी कोर्ट में। हम चाहते हैं कि आप हमारा केस लड़े। ऑल राइट, मैं आपका केस लड़ूंगा, आप डिटेल दे दीजिए। ओके, और भाई दीजिए आप थोड़ा अपने गले का इलाज कराइए, बड़ी खराश है आपके गले में, कब से रख लीजिएगा। अपने क्लाइंट सौदागर कुमार को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है सौदागर कुमार, हाजिर हो। ओ घोड़े, चने छोड़े और कसम खाइए। हम कसम नहीं खाएंगे, हम 14 घर हैं, हमारे 14 घर हैं। यानी अबे तेरे 15 घर हैं, चुपचाप कसम खाओ वरना ये हथौड़ा इतनी जोर से मारूंगा कि जानी फानी सब निकल जाएगा। यानी ये हथौड़ा है बच्चों के खेलने की चीज नहीं, अगर लग जाए तो खून निकल आता है। जानी जानी ये कलम है, अगर ये कलम टूट जाए तो क्या होता है पता है? जानी जान जा सकती है। जानी करो तोड़ो, कलम तोड़ो। मिलॉर्ड, मैं इसकी तरह से माफी मांगता हूँ मिलॉर्ड, ये नया नया जानी बनाए मिलॉर्ड। अरे कसम खाते वरना लंबी लगा देगा ये। कसम खा। हम कसम खाते हैं, जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। थैंक यू। तो मिस्टर सौदागर कुमार, आपकी बेगम ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आपने उन्हें टॉर्चर करके रखा हुआ है। यानी हमने इन्हें टॉर्चर नहीं किया, इन्होंने हमें टॉर्चर किया है। जज साहब, ये औरत न्याय थी पागल है क्या? हमारे रात को सोने के बाद सुबह जब आँख खुलती है तो ये बिस्तर पर नहीं होती, और जब हम इन्हें ढूंढने निकलते हैं तो ये कब्रिस्तान के कब्र पर बिस्तर डालकर सोई हुई मिलती है। जज साहब, कब्रिस्तान में? देखा मिलॉर्ड, ये औरत कितनी पागल है, लेकिन उसके बावजूद मेरे क्लाइंट अपनी बेगम से बेताशा मोहब्बत करते हैं, और इस बात को प्रूफ करने के लिए मेरे पास एक सीडी है मिलॉर्ड। मिलो सीडी। अच्छा सीडी कहाँ है यार? मिलो सीडी, डैमिट सीडी कहाँ है? अच्छा सीडी, मिलो सीडी फॉर गॉड सेक। और ये हमारी सीडी है। सुबह आई गॉट इट मिलॉर्ड, ये सीडी है। अदालत सीडी देखेगी। गोल बेटा काम आ गया, बेटा सीडी लगाओ। देखा मिलॉर्ड,
मेरा क्लाइंट अपनी बीवी से कितनी मोहब्बत करता है। पिक्चर अभी बाकी है मिलॉर्ड। एक चप्पल मिलॉर्ड, एक सीढ़ी विभूति जी ने दिखाई और अब एक सीढ़ी मैं दिखाऊं। वाह, आपके पास भी है। विभूति जी ने जो सीढ़ी दिखाया मिलॉर्ड, उसमें इन्होंने ऑडियो बदल दिया, रोमांटिक म्यूजिक डाल दिया, लेकिन मेरे सीढ़ी वीडियो वही है, ऑडियो कुछ और। ध्यान से देखिएगा। जी छोड़िए ना, आप सुबह से हमारे पैर दबा रहे हैं, अब तो हमारे पैर दुखने लगे हैं। छोड़िए ना, हम तुम्हारे पैर दबाते रहेंगे। लेकिन दर्द तो हमारे सिर में है, पैर में नहीं। आप पैर दबा रहे हैं। पर पाकीजा, हमें तुम्हारे पैरों से मोहब्बत है, सिर और हाथों से हमें कोई लेना देना नहीं। मिलॉर्ड, मेरी ये गुजारिश है आपसे कि अब जब आपने पूरा सच देख ही लिया है, तो ऐसे खतरनाक सरफिरे पागल प्रेमी को सख्त से सख्त सजा दीजिए और मेरी क्लाइंट को इसकी कैद से आजादी दिलाइए। मिलॉर्ड। यस यूर राइट चंदा रानी जी, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सौदागर कुमार ने वाकई पाकीजा कुमारी पर 5 साल तक जुल्म ढाया है, लिहाजा ये अदालत इस सौदागर के 14 घरों को ताला लगवाती है और साथ में ये हुक्म देती है कि अगले 15 साल तक ये सौदागर पलंग पर बैठा रहेगा, सोएगा भी नहीं, सिर्फ बैठा रहेगा और अपने पैर जमीन पे नहीं रखेगा क्योंकि जमीन मैली हो जाएगी। और अगर इस सौदागर ने जमीन पर पैर रखने की जरूरत की तो ये अदालत उसके पैर कटवाने का हुक्म देती है। टू हैंग टिल डेथ। अब समझ में आएगा जानी पाकीजा को कितना दर्द हुआ है। द कोर्ट इज अडजर्न्ड। जानी जानी, हमें नीचे उतारो। अरे अरे, हमें कहाँ ले जा रहे हो जानी? हम राजकुमार हैं, हमारे 14 घर हैं, हमें हमें नीचे उतारो।